जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में ये गाना था ही नहीं, मतलब कि ऐसा कोई गाना पहले फिल्म के लिए लिखा ही नहीं गया था। दरअसल जब फिल्म के निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने जावेद अख्तर साहब को फिल्म के गीत लिखने के लिए स्क्रिप्ट सुनाई तो जावेद साहब ने एक अच्छे राइटर होने के नाते कहा कि इस सिचुएशन में गाना होना चाहिए जिस सिचुएशन में अनिल कपूर मनीषा कोरेला को ढूंढने के लिए गाँव जाता है, मगर बजट और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए विधु जी इस बात के लिए राजी नहीं हुए। पर जावेद साहब भी कहां मानने वाले थे, वो बार बार चोपड़ा जी को ये बात बोल रहे थे। तब जावेद जी से पीछा छुड़ाने के लिए विधु जी उनसे बोले, ठीक है चलिए आप गाना लिखिए फिर देखते हैं। पर कुछ दिन बीत गए और जब अगली मीटिंग हुई तो जावेद साहब ने तो कोई गीत लिखा ही नहीं था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि विधु को कौन सा याद होगा कि कोई गीत लिखना था। और जब वो मीटिंग के लिए विधु विनोद चोपड़ा और कंपोजर आरडी बर्मन के पास पहुंचे तो विधु जी ने उनसे पहुंचते ही पूछा, गीत लिखा आपने? अब जावेद साहब तो हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, मैंने सोचा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या ही कोई गीत लिखूं, वरना तो ऐसा कुछ सोच रहा था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये सुनते ही बर्मन साहब ने बोला, लिखो इस गाने को, तुरंत लिखो, अभी चाहिए। अब जावेद साहब ने तो एवं ही बोल दिया था, लेकिन विधु जी को लगा कि ये गाना इन्होंने लिखा होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी इस गीत को पूरा लिखो। तो जावेद साहब बैठ गए कोने में कागज कलम लेकर और कुछ यूं लिखा गीत का अंतरा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसी उजली किरण। ये लाइन्स बर्मन दा और विधु दोनों को बहुत ही भाया। साथ ही बर्मन दा ने जावेद जी से कहा कि पूरे गाने में यही फील रखना, मतलब कि हर लाइन में एक उपमा होनी चाहिए। जावेद साहब ने कहा, ठीक है आप म्यूजिक तो बनाइए। तुरंत ही बर्मन दा बोले, धुन तो बना भी ली मैंने और बजाने लगे। फिर जावेद साहब ने थोड़ी मोहलत लेकर बेहद खूबसूरती से लिखा ये गाना और पूरे दो दिन में बना ये आइकॉनिक सॉन्ग, जिसमें हीरोइन को 21 उपमाएं दी गई। जावेद साहब ने हीरोइन को इसमें बेहद मासूम और खूबसूरत दिखाया है अपनी उपमाओं से, जिनमें शराब शबाब हुस्न लव जैसे शब्दों का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज भी ये गीत हिंदी गानों के इतिहास में एक खास जगह बनाए हुए है। इसी गाने से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग किस्सा और भी है। इस गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी, जिसके लिए कुमार सानू को बुलाया गया था और उसको कंपोजिशन कर रहे थे आरडी बर्मन, मगर कुमार सानू स्टूडियो पहुंचने में लेट हो गए, जिस पर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस गाने को सोनू निगम से गवा ली जाए, और उस वक्त सोनू निगम स्टूडियो में बैठे हुए थे। आरडी बर्मन ने सोनू निगम को गाने के लिए मना भी लिया, और अब इंतजार की इंतहा होने के बाद आरडी बर्मन ने सोनू निगम से कहा कि अगले कुछ मिनटों तक अगर कुमार सानू नहीं आए तो तुम इस गाने को गाना। सोनू निगम के मन में ये चल रहा था कि काश कुमार सानू ना आए और ये गाना मैं गा लूं, क्योंकि ये गाना था ही खूबसूरती से लिखा हुआ, मगर ऐसा हो न सका और सानू जी आए, उन्होंने इस गाने की रिकॉर्डिंग की, जो कि एक बहुत ही एवरग्रीन गाना बन गया। दोस्तों कैसे लगा ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही किस्से सुनने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, नमस्कार।